गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडे विल बी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट इन इंग्लिश ग्रामर द वर्ड। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर फर्स्ट द वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड की मीनिंग क्या होती है? इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ड का मीन्स क्या होता है? हमारा शब्द। वर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द। ठीक है, अब शब्द क्या है? जो शब्द, जो चीज़ हम, जैसे कि मैंने बोला मुझे पेंसिल, स्कूटर, बॉल, बकरी, ये सब क्या है? हमारे शब्द है, वर्ड है। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे, आपको देखिए डायग्राम्स में दिखाया हुआ है यहाँ पर, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स। आपको कुछ पिक्चर दिखाए हुए हैं, इनको आपको क्या करना है? रीड करना है, मतलब पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि कुछ शब्द हैं, ये सब क्या है? हमारे शब्द हैं। एक पेंसिल, पेंसिल क्या है? हमारा शब्द है। स्कूटर, बॉल, गॉट, ये सब क्या है? हमारे शब्द हैं। ठीक है, जैसे कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ए वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर विच आर रिटन इन अ सर्टेन ऑर्डर। कुछ हमारे ग्रुप्स के क्या क्या, कुछ हमारे शब्द ऐसे होते हैं जो ग्रुप्स लेटर में होते हैं। जैसे कि हमारे को फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, ए वर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। जो एक हमारे शब्द है वो भाषा की एक सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जो हमारे एक शब्द है, जो वर्ड है हमारा, वो भाषा की एक सबसे छोटी इकाई है। विच हैज़ अ मीनिंग, इसका अर्थ क्या है? इसकी मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है? मतलब वी कैन स्पीक और राइट अ वर्ड। जो हमारा शब्द है इसको क्या करते हैं? हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। जो हमारा शब्द होता है इसको हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टॉपिक, वर्ड्स में डिस्क्राइब पर्संस, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स, एक्शन और आइडियाज़। अब क्या होता है, वर्ड्स से जो है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि पर्संस, पर्संस कौन होते हैं? जो लोग होते हैं, जैसे कि किसी का नाम है, मानिए मैंने बोला राहुल, मनोज, ये सब क्या है? एक हमारे पर्सन है। ठीक है, प्लेसेस मीन्स क्या होती है? हमारी जगह, किसी भी जगह को हम क्या कहते हैं? प्लेसेस। जैसे कि मैंने बोला दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये क्या हो गया? एक हमारा प्लेसेस हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है हमारा वस्तु, कोई भी वस्तु। जैसे मैंने लिया फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, पेन, बुक्स, ये क्या है? हमारी वस्तु हैं। ठीक है, इन्हें वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट्स, इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट्स। एक्शन क्या होता है? एक्शन का मतलब क्या है हमारा? एक्शन का मतलब है हम कोई भी, जो भी काम हम कर रहे हैं वो क्या है? हमारा एक्शन है। जैसे मैं बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, इसमें पढ़ाना क्या हो गया? मेरा एक्शन है। बोल रही हूँ, बोल रही हूँ जो मैं, ये मेरा एक्शन है। लिख रही हूँ, खेल रही हूँ, खा रही हूँ खाना, तो ये सब क्या है? हमारा एक्शन है। ठीक है, और आइडियाज़, आइडियाज़ अब ये भी एक हमारा वर्ड्स है। कोई भी चीज़ हमने सोचा, ये आज हमें ये करना है, आज हमें खेलने जाना है, आज हमें पढ़ने जाना है, ये क्या एक हमारा आइडिया है। ठीक है, जैसे कि अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, जो जैसे कि हेयर आर सम एग्जाम्पल, हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड्स एंड द थिंग दे डिस्क्राइब। कुछ हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं नीचे, इनको क्या करेंगे? हम डिस्क्राइब करेंगे, अब इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हम, जैसे कि देखिए जवाहरलाल नेहरू, मैंने आपको ऊपर भी बताया, कोई भी हमारे जो नाम है, पर्टिकुलर जो नाम है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति क्या है? एक पर्सन है। ठीक है, मैंने कईयों का नाम ले लिया, ओनली ऐसा नहीं है कि एक जवाहरलाल नेहरू ही पर्सन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी व्यक्ति हैं वो क्या है? हमारे पर्सन है। ठीक है, जैसे कि आपके पापा हैं, वो भी क्या है? एक हमारे पर्सन है। आपकी मम्मी है, वो भी एक पर्सन है। कोई भी एक सिस्टर या ब्रदर होगा, वो आपके एक पर्सन ही है। ठीक है, जो भी अदर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति होंगे वो क्या एक हमारे पर्सन है। ठीक है, ऐसे ही सेम दिल्ली, दिल्ली क्या एक हमारी प्लेस है, जगह है। ठीक है, इसका नाम है दिल्ली प्लेस, जगह। हम कहते हैं ना, आपने प्लेस कहाँ रहते हो, आप लोग प्लेस क्या है आपका, कहाँ पर रहते हो, तो क्या है? हम दिल्ली। ठीक है, ऐसे ही अगर जो मुंबई में रहते हैं तो दिल्ली का नाम क्या हो जाएगा, वो सॉरी प्लेस का नाम क्या हो जाएगा उनका? मुंबई। और जो कलकत्ता में रहते हैं वो लिख सकते हैं वहाँ पे प्लेस की जगह अपना कोलकाता। ठीक है, ऐसे बहुत ही सारे नाम होते हैं, जो भी जगह होती है हमारी वो क्या एक हमारी प्लेस है। बैग, बैग क्या एक हमारी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, मतलब ठीक है, वस्तु है। जो बैग है वो क्या एक हमारा वस्तु है।
जैसे कि वस्तु में और भी सारी ऑब्जेक्ट हो जाती हैं, जितने भी हमारी पेन, बुक्स, पेंसिल, चेयर, कंप्यूटर, ये सब क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट है, वस्तुएं हैं, ठीक है। रन, रन मीन्स क्या है, रन का क्या है ये, रन क्या होता है, हमारा एक्शन। रन को हम हिंदी में क्या कहेंगे, दौड़ना, ठीक है। एक्शन है जो भी हम कार्य कर रहे हैं, क्रिया जो भी हम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्शन। जैसे कि इसमें रन दौड़ना, दौड़ने का मीनिंग इसमें, जैसे दौड़ना हो गया हमारा, दौड़ना क्या है, हमारा एक्शन है। चल रहे हैं, चलना क्या है, हमारा एक्शन है। बोल रहे हैं तो बोलना क्या है, हमारा एक्शन है, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट पढ़ेंगे रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्या है हमारा, रिस्पेक्ट क्या है, हमारा आइडियाज है, ठीक है। रिस्पेक्ट क्या है, हमारा आइडिया है। जैसे हम किसी को, हम बोलते हैं अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा, ठीक है, क्या है हमारे, रिस्पेक्ट है। हमने मैम को बोल दिया गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून सर, ये सब क्या चीज़ें एक हमारी रिस्पेक्ट है, ठीक है। जिसमें भी हम रिस्पेक्ट से बातें करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, वो क्या चीज़ें एक हमारी रिस्पेक्ट है, मतलब आइडियाज है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमारे नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे रिकॉग्नाइज द थिंग, रिकॉग्नाइज द थिंग गिवन इन पिक्चर एंड फिल इन द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट देयर नेम। आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए हुए हैं, ठीक है, इन पिक्चर्स को क्या करना है, आपको फिल करना है इस बॉक्स में। जैसे कि सभी बच्चे ध्यान देंगे और ठीक अच्छे से फिल करेंगे सभी बच्चे, फर्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिया हुआ है, बनाना, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में क्या दिया हुआ है, बनाना। अब बनाना में देखिए, यहाँ पर बी तो लिखा हुआ है आपका, बी क्या है हमारा, लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे कि आप फिल करेंगे, बनाना की स्पेलिंग क्या होती है, बी ए एन ए एन ए, बनाना क्या हो जाएगा, ये बी ए एन ए एन ए, बनाना, ठीक है। ऐसा ही है जस्ट हमारा, ये क्या है, एप्पल। ये क्या चीज़ है हमारा नेक्स्ट में, एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, बनाना की स्पेलिंग एक बारी बेटा मैं दोबारा लिख रही हूँ, वहाँ पर समझ नहीं आ रहा, यहाँ बी आपके में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या होती है बनाने की स्पेलिंग, बी ए एन। अब एक बारी हम देखिए लिखेंगे दोबारा से, रिपीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बनाने की स्पेलिंग लिखेंगे, जैसे कि बी ए एन ए एन ए, बनाना, ठीक है। आप इसे क्या करेंगे, बॉक्स में लिखेंगे, जो आपको यहाँ पर ये बॉक्स दिए हुए हैं ना, आप इसके अंदर लिखेंगे। मेरे से क्या हो रहा है, छोटा छोटा नहीं लिख पा रही मैं इस बॉक्स में, इस वजह से मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया। आप क्या करेंगे, बॉक्स में फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एप्पल, ए लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, तो मैंने लिखा ए, ए लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर पी, डबल पी हो गया मेरा, और एल ई, एप्पल, ई आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एप्पल। ग्रेप्स की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, जी आर ए पी ई एस, ये क्या होता है हमारा, ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स क्या होता है हमारा, बताइए, ग्रेप्स मीन्स क्या होता है हमारा, अंगूर। देखे होंगे ना सभी ने, खाए होंगे अंगूर, खाए हैं ना सभी ने। चलिए नेक्स्ट है हमारा मैंगो। नेक्स्ट क्या है, मैंगो। मैंगो की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, देखिए इसमें एम आपको ऑलरेडी पहले से मेंशन किया हुआ है, तो एम लिखा हुआ है, मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, ए एन जी ओ, मैंगो, ठीक है। ये हमें ऊपर वाले रोज में क्या दिए हुए थे, सारे फ्रूट्स नेम थे हमारे, फ्रूट्स जितने भी फल होते हैं ऊपर रोज में हमारे फ्रूट्स नेम थे। अब नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में क्या हो जाएगा हमारा, देखेंगे नीचे वाली लाइन में हमारा फ्लावर्स हैं, क्या है हमारे नीचे लाइन में, फ्लावर्स हैं, ओके। जैसे कि अब हम नेक्स्ट लाइन में फिल करेंगे, हमारा ये क्या है, लीली, क्या है ये, लीली, जिसमें कि आपको एल एंड वाई पहले से ही फिल किया हुआ है, आपको इसमें टू वर्ड्स और फिल करने हैं, ठीक है। जैसे कि लीली की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, एल आई एल वाई, लीली। सभी बच्चे अपनी बुक फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोटस, एल लिखा हुआ है आपको, आपका, तो एल ओ टी यू एस, लोटस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोज, रोज का देखिए पिक्चर बनाई हुई है, अब आपको इसको में फिल करना है, रोज की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, आर ओ एस ई, रोज, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही क्या, कौन सा फ्लावर है हमारा, टूलिप। टूलिप की स्पेलिंग क्या होती है, टी आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, टी यू एल
आई पी टूलिप। ठीक है, फर्स्ट रो में जैसे आपको फ्रूट्स दे रखे थे, सेकंड रो में आपको फ्लावर्स दे रखे हैं। ठीक है, आप इनको फिल करेंगे, स्पेलिंग सभी की स्पेलिंग्स फिल करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स, इसमें क्या है हमारे थर्ड रो में एनिमल्स हैं कुछ, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आपने क्या देखा, गॉट है। गॉट की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, जी ओ ए टी, गॉट। ओके, नेक्स्ट हमारी गॉट मीन्स क्या होता है हमारा, गॉट मीन्स क्या, गॉट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, बकरी। क्या कहते हैं गॉट को हम हिंदी में, बकरी। एंड नेक्स्ट है हमारा बियर, बियर बनाया हुआ है। देखिए बियर की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, बी ई ए आर। बियर मीन्स क्या होता है हमारा, भालू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे को मंकी दिया हुआ है, मंकी की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, एम ओ एन के ई वाई, मंकी। मंकी की स्पेलिंग क्या होती है, एम ओ एन के ई वाई, मंकी। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है हमें, लॉयन, लॉयन एल आई ओ एन, लॉयन। लॉयन की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, एल आई ओ एन, लॉयन। लॉयन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शेर। ओके, नेक्स्ट में अब हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, वस्तु दिए हैं, वस्तु के नेम। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में हमारे फर्स्ट पिक्चर में हमें क्या दिखाया, बुक। बुक की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, बी डबल ओ के बुक। नेक्स्ट में क्या है हमारी, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है बताइए। नेक्स्ट है हमारा ब्रश। ठीक है, ब्रश की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, बी आर यू एस एच, ब्रश। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, इरेजर, जिससे आप रफ करते हैं, आपका काम गलत हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। इरेजर की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, ई आर ए एस ई आर, इरेजर। ठीक है, इरेजर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, रबड़। आप लोग क्या कहते हो हिंदी में इसको, रबड़। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम हमारा किसका दिया हुआ है, पेन का। तो पेन की स्पेलिंग क्या होगी हमारी, पी ई एन, पेन। ओके, नेक्स्ट में आप देखिए, नेक्स्ट लाइन में हमारी क्या है, बर्ड्स की पिक्चर दी हुई है। ठीक है, इनको हम लिखेंगे अब, जैसे कि सबसे पहले लिखा है आपका क्राउ, आपको किसकी पिक्चर दिखाई गई है, क्राउ। क्राउ की पिक्चर में आप स्पेलिंग क्या होगी क्राउ की बताइए, सी आर ओ डब्लू, क्राउ। नेक्स्ट क्या है हमारा, ईगल, ईगल की पिक्चर क्या होगी मेरी, ई ई ए जी एल ई, ईगल। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है हमारा, नेक्स्ट में हमारा पिजियन, क्या है नेक्स्ट में हमारा, पिजियन। अब पिजियन की स्पेलिंग क्या होती है हमारी, पी, मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ, ठीक है नीचे क्योंकि दिखाई नहीं देगा, पी आई जी ई ओ एन, पिजन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आउल, आउल का डायग्राम है। ठीक है, आउल की पिक्चर, अब आउल की स्पेलिंग लिख रही हूँ मैं, आउल की स्पेलिंग जो है मैं ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि नीचे नहीं आपको दिखाई देगा, ओ डब्लू एल, आउल। ओ डब्लू एल क्या होता है, आउल। आउल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, उल्लू। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप सब कभी क्या करेंगे, इस बुक्स को, जो इस बुक्स का पेज नंबर 6 है हमारा, इसको फिल करेंगे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आज मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, वर्ड क्या होता है, जैसे कि वर्ड हमारा क्या है, एक शब्द है, इसमें हमने पढ़ा है जैसे कि डेली क्या है, एक हमारा प्लेस है, बैग क्या है हमारी, एक ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है, रन क्या है हमारा, एक एक्शन है, कोई भी जो क्रिया कर रहे हैं हम, कार्य जो भी करते हो क्या, एक हमारा एक्शन है, रिस्पेक्ट क्या हो गया हमारा, एक आइडियाज हो गया। ठीक है, ओके, सबको समझ आ गया होगा, थैंक यू। आप अच्छे से सभी बच्चे फिल करेंगे अपना बुक्स, ओके, थैंक यू बेटा।